ये मुहासरा 3 दिन जारी रहा। तीसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह और गनीमत की दुआ फरमाई, फिर मुसलमानों को हमले की दावत दी। मुसलमानों ने शिद्दत का हमला किया। पहले मुकाबले के लिए ललकारा गया, फिर घमसान की लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई यहूद की शिकस्त पर खत्म हुई और मुसलमानों ने सूरज डूबने से पहले कला फतह कर लिया। गनीमत में बहुत सा गल्ला हाथ आया। इस कले में सबसे ज्यादा खुराक और चर्बी थी। इस तरह ये मुसलमानों के लिए सबसे कारामत कला साबित हुआ। मुसलमान इससे पहले सख्त भूख का शिकार थे, चुनाचे बहुत से लोगों ने गधे जबह कर दिए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खाने से मना फरमा दिया। चुनाचे आपका हुक्म पाकर चूल्हों पर चढ़ी हुई हांडियां उलट दी गईं। यहूद ने यहाँ से भागकर कलाए जुबैर में पनाह ली और वहाँ कला बंद हो गए। ये नुतात का तीसरा और आखिरी कला था। मुसलमानों ने आगे बढ़कर उसका भी मुहासरा कर लिया। चौथे दिन एक यहूदी ने आकर पानी की बाज नालियों की निशानदेही कर दी। इनसे यहूद पानी पिया करते थे, चुनाचे मुसलमानों ने ये नालियां काट दी। इस पर यहूद ने बाहर निकलकर सख्त लड़ाई की, लेकिन शिकस्त खाकर शक की तरफ पसपा हो गए और हिस्ने अबी में कलाबंद हो गए। मुसलमानों ने उनका ताकुब किया और वहाँ भी उनका मुहासरा कर लिया। चुनाचे वो निहायत सख्त लड़ाई के लिए तैयार होकर निकले। उनके एक बहादुर ने निकलकर मुकाबले की दावत दी और मारा गया। फिर दूसरा निकला और वो भी मारा गया। उसे सैयदना अबू दुजाना सिमाक बिन खराशा अंसारी रजी अल्लाह अन्हो ने कत्ल किया और उसे कत्ल करते ही वो तेजी से कले में जा घुसे। उनके साथ ही और मुसलमान भी दाखिल हो गए। कुछ देर तक कले के अंदर लड़ाई जारी रही। फिर यहूद ने राह फरार इख्तियार की और इस इलाके के सबसे आखिरी कले हिस्ने नजार में कलाबंद हो गए। मुसलमानों को हिस्ने अबी से बहुत सा माल गनीमत हाथ आया। मुसलमान अब हिस्ने नजार की तरफ बढ़े और उसका मुहासरा कर लिया। ये कला पहाड़ की चोटी पर था और वहाँ पहुँचने की कोई सूरत नहीं थी। यहूदियों ने यहाँ अपनी हिफाजत का जबरदस्त इंतजाम कर रखा था। उन्हें यकीन था कि इस कले में मुसलमान दाखिल नहीं हो सकेंगे, इसलिए उन्होंने इस कले में औरतों और बच्चों समेत क़याम किया। तीर और पत्थर बरसा बरसा कर सख्त जवाबी कार्रवाई की। जवाब में मुसलमानों ने भी मिंजनीक नस्ब करके इस कले पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। इससे उनके दिलों पर रोब छा गया और वो कोई काबिले जिक्र सख्ती बर्दाश्त किए बगैर कुतैबा के इलाके की तरफ भाग निकले। मुसलमानों को इस कले से तांबे और मिट्टी के बर्तन मिले। इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको धो लो और इनमें खाना पकाओ। इसके बाद मुसलमान कला कमूस की तरफ बढ़े। ये कुतैबा का पहला कला था। 14 या 20 दिन तक इसका मुहासरा जारी रहा। इसके बाद यहूद ने पनाह तलब कर ली। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने पनाह तलब नहीं की थी। मुसलमानों ने लड़कर फतह किया और यहूद बाकी 2 कलों वतीह और सलालिम की तरफ भागे। लेकिन जब मुसलमानों ने उनके मुहासरे के लिए पेश कदमी की तो यहूद ने इस शर्त पर अमान तलब कर ली कि वो औरतों और बच्चों समेत खैबर की सरजमीन से जिलावतन हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त मान ली और आपने ये भी इजाजत दी कि सोने चांदी घोड़े और हथियारों के अलावा वो अपनी सवारियों पर जो कुछ और जितना कुछ लाद सकते हैं ले जाएं, और अगर कुछ छुपाया तो जिम्मा खत्म समझा जाएगा। इसके बाद उन्होंने बाकी 3 कले मुसलमानों के हवाले कर दिए। मुसलमानों को 100 जिरहें, 400 तलवारें, 1000 नेजे और 500 अरबी कमाने हाथ आईं। इन चीजों के अलावा तौरात के कुछ सहीफे भी मिले, लेकिन ये मांगने वालों को वापस दे दिए गए। किनाना इब्ने अबिल हुकैक और उसके भाई ने बदअहदी की और बहुत सा सोना चांदी और जवाहिरात छुपा दिए, लिहाजा उनसे जिम्मा खत्म हो गया और बदअहदी की सजा में उन दोनों को कत्ल कर दिया गया। हुयई बिन अख्तब की साहिबजादी सैयदा सफिया किनाना के निकाह में थी। उन्हें कैदियों में दाखिल कर लिया गया। इस गजवे में कुल 93 यहूदी मारे गए, जबकि मुसलमान 15 के करीब शहीद हुए। सैयदना अम्र बिन उमैया जमरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर नजाशी के पास गए थे। जब वो हबशा के मुहाजिरीन को साथ लेकर वापस हुए तो उनमें से एक जमात ने खैबर का रुख किया, जिसमें सैयदना अबू मूसा अशअरी और जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हुमा भी थे। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो खैबर फतह हो चुका था, लेकिन अभी माल गनीमत तकसीम नहीं हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना जाफर रजी अल्लाह अन्हु को बोसा दिया और फरमाया, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि मुझे किस बात की ज्यादा खुशी है, खैबर की फतह की या जाफर की आमद की। फिर जब माल तकसीम फरमाया तो उन्हें भी माल गनीमत में से हिस्सा दिया। सैयदा सफिया बिन्ते हुयई बिन अख्तब को जब कैदियों में शामिल किया गया तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से दहिया बिन खलीफा कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ले लिया। लेकिन सहाबाए किराम ने आकर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफिया सिर्फ आपके शायाने शान हैं, वो बनु कुरैजा और बनु नजीर की सरदार हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और इस्लाम की दावत दी। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस पर आपने उन्हें आजाद कर दिया, उन्हें निकाह की पेशकश की। उनके मंजूर करने पर आपने उनसे शादी कर ली और उनकी आजादी ही को उनका महर करार दिया और उन्हें औरतों के हवाले कर दिया। जब खैबर और वादियुल कुरा फतह हो गए, फदक और तैमा के बाशिंदों ने इताअत कबूल कर ली तो आपने मदीना वापसी की राह इख्तियार फरमाई। रास्ते में सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा की रुख्सती अमल में आई। दूसरी सुबह आपने खजूर, घी और पनीर का वलीमा खिलाया और 3 रोज शब अरूसी के तौर पर उनके साथ क़याम फरमाया। फिर रवाना हुए। सफर 7 हिजरी के आखिर या रबीउल अव्वल 7 हिजरी के अवाइल में मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। खैबर से मदीना आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए थे कि इत्तिला मिली, बनु अनमार, सालबा और मुहारिब के बद्दू जमा हो रहे हैं। आपने मदीना मुनव्वरा का इंतजाम सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह अन्हो को सौंपा। 700 सहाबा को साथ लिया और 2 दिन के फासले पर वाक़े मकाम नखल का रुख किया। वहाँ बनु गतफान की एक जमीयत से आमना सामना हुआ। दोनों फरीक एक दूसरे के सामने आए लेकिन जंग न हुई। नमाज की इकामत हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सलाते खौफ पढ़ाई, यानी पहले एक गिरोह को 2 रकत नमाज पढ़ाई, फिर वो लोग पीछे चले गए तो दूसरे गिरोह को 2 रकत नमाज पढ़ाई। इस तरह आपकी 4 रकत नमाज हुई और लश्कर की 2-2 रकत। यही सलाते खौफ है। इसकी और भी कई सूरतें हैं, अहादीस में वजाहत मौजूद है। फिर अल्लाह ने दुश्मन के दिल में मुसलमानों का रोब बिठा दिया। वो मुंतशिर हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा लौट आए। इस गजवे का नाम इसलिए जातुर रिका पड़ा कि इस सफर में पैदल चलने की वजह से मुसलमानों के पाँव जख्मी हो गए थे। उन्होंने जख्मी पैरों पर चीथड़े लपेट लिए थे। चीथड़ों को अरबी में रिका कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि इसकी जमीन और पहाड़ मुख्तलिफ रंग के थे, गोया के वो रिका यानी पैवन थे, और कहा जाता है कि गजवे की जगह का नाम ही यही है। इस गजवे में सबसे दिलचस्प बात ये पेश आई कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सायादार दरख्त के नीचे पड़ाव डाला और अपनी तलवार उसी दरख्त से लटका कर सो गए, जबकि बाकी लोग मुख्तलिफ दरख्तों के नीचे सो गए। ऐसे में एक मुशरिक उस तरफ आ निकला। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार सौंप ली। आपकी आंख खुल गई तो उसने कहा, आप मुझसे डरते हैं? जवाब में आपने फरमाया, नहीं। उसने कहा, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? आपने फरमाया, अल्लाह। ये सुनकर उसके हाथ से तलवार गिर गई। आपने वो तलवार उठा ली और फरमाया, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उसने कहा, आप मुझ पर एहसान कीजिए। आपने उसे इस्लाम की दावत दी। वो मुसलमान तो न हुआ, लेकिन उसने ये अहद किया कि वो आपसे लड़ाई करेगा, न लड़ने वालों के साथ होगा। आपने उसे छोड़ दिया। उसने अपनी कौम में वापस जाकर कहा, मैं तुम्हारे पास सबसे अच्छे इंसान के पास से आ रहा हूँ। सुलह हुदैबिया के बाद कुफार मक्का से और फतह खैबर के बाद यहूद की तरफ से इत्मीनान हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसाया मुल्कों के बादशाहों और सलातीन के नाम खतूत लिखकर इस्लाम की दावत दी। आपने रूम के बादशाह कैसर, मिस्र के शाह मुकोकस, शाम के गस्सानी बादशाह हारिस बिन अबी शिम्र, यमामा के हाकिम हौजा और अम्मान के हाकिम के पास अपने सफीरों के जरिए से दावती खतूत इरसाल फरमाए। इन खतूत की इबारत नहायत मुख्तसर और सादा होती थी। मसलन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तरफ से है जो अल्लाह का बंदा और रसूल है, तुम्हें दीन इस्लाम की तरफ दावत देता है। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी कौम भी हिदायत से महरूम रहेगी, इसलिए कौम की गुमराही की जिम्मेदारी भी तुम पर होगी। नजाशी का नाम असहमा बिन अबजर था। आपने उसे ये खत लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नजाशी असहमा शाह हबशा की तरफ। उस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसने किसी को अपनी बीवी बनाया न लड़का, और मैं इसकी भी शहादत देता हूँ कि मुहम्मद उसका बंदा और रसूल है, और मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ क्योंकि मैं उसका रसूल हूँ, लिहाजा इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे। ए अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और हम में से बाज को अल्लाह के सिवा रब न बनाए। बस अगर वो मुंह मोड़ें तो कह दो कि गवाह रहो हम मुसलमान हैं। अगर तुमने ये दावत कबूल न की तो तुम पर अपनी कौम के नसारा का गुनाह होगा। ये खत आपने सैयदना अम्र बिन उमैया जमरी रजी अल्लाह अन्हो के हाथ 6 हिजरी के अखीर या 7 हिजरी के शुरू में रवाना किया। नजाशी को जब ये खत मिला तो उसने आंखों से लगाया, तख्त से उतर आया और सैयदना जाफर रजी अल्लाह अन्हो के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बैत के मुतालिक खत लिखा और उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी और उन्हें अपनी तरफ से 400 दीनार महर दिया। फिर उन्हें और मुहाजिरीन हबशा को अम्र बिन उमैया जमरी के साथ 2 कश्तियों में रवाना किया। वो उन्हें लेकर उस वक्त पहुंचे जब खैबर फतह हो चुका था और आप अभी वहीं थे। इस नजाशी ने रजब 9 हिजरी में वफात पाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी रोज उनकी वफात की इत्तला सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम को दी और उनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। मुक़ौक़स शाह इस्कंदरिया और मिस्र के नाम आपने जो खत लिखा उसके अल्फाज ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुक़ौक़स सरबराह क़िब्त की जानिब, उस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। अम्मा बाद, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे, इस्लाम ले आओ, अल्लाह तुम्हें दोहरा अज्र देगा। लेकिन अगर तुमने मुंह मोड़ा तो तुम पर अहले किब्त का भी गुनाह होगा। और ए अहले किताब, ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और हम में से बाज को अल्लाह के सिवा रब न बनाए। बस अगर वो मुंह मोड़े तो कह दो तुम गवाह रहो कि हम मुसलमान हैं। ये खत आपने हातिब बिन अबी बलता रजी अल्लाह अन्हो के हाथ भेजा। उन्होंने मुक़ौक़स से गुफ्तगू की, उसे खत दिया। मुक़ौक़स ने उनकी इज्जत अफजाई की और खत को हाथी दांत के डब्बे में रखकर उस पर मोहर लगाई और उसे महफूज कर लिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब लिखा और उसमें इकरार किया कि 1 नबी बाकी रह गए हैं और मैं समझता था वो मुल्क शाम से निकलेंगे। बस उसने ये जवाब दिया, मुसलमान नहीं हुआ। तोहफे में सैयदा मारिया और सैयदा सीरीन रजी अल्लाह अन्हुमा 2 लौंडियां भेजी। उन दोनों का किब्त में बहुत मकाम था। कुछ कपड़े और एक खच्चर भी हदिये के तौर पर भेजे। उस खच्चर का नाम दुलदुल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारिया को अपने लिए मुंतखब फरमाया और सीरीन को सैयदना हसन बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु के लिए हिबा कर दिया। खच्चर को भी आपने अपनी सवारी के लिए पसंद फरमाया। आपने एक खत शाह फारिस खुसरौ परवेज के नाम लिखा। आपने उसे लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किसरा वाली फारिस की जानिब, उस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और गवाही दे के अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ क्योंकि मैं तमाम इंसानों की जानिब अल्लाह का भेजा हुआ हूँ। ताकि जो शख्स जिंदा है उसे अंजाम बद से डराया जाए और काफिरों पर हक बात साबित हो जाए, यानी हुज्जत तमाम हो जाए। बस तुम इस्लाम ले आओ, सालिम रहोगे। अगर इससे इनकार करोगे तो तुम पर मजूस का गुनाह भी होगा। ये खत आपने सैयदिना अब्दुल्लाह बिन हुजाफा साहमी रजी अल्लाह अन्हो के जरिए भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि इसको अजीम बहरैन के हवाले कर दें और सरबराह बहरैन इसे किसरा के हवाले करेगा। जब ये खत किसरा के सामने पढ़ा गया तो उसने खत को फाड़ डाला और कहा, मेरी रियाय में से एक हकीर गुलाम अपना नाम मुझसे पहले लिखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आपने फरमाया, उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसकी बादशाहत को पारा पारा करे। और फिर वही हुआ जो आपने फरमाया था। चुनाचे उसके लश्कर ने रूमियों के मुकाबले में बदतरीन शिकस्त खाई। फिर खुसराव के बेटे शहरविया ने उसके खिलाफ बगावत की, उसे कत्ल कर दिया और खुद बादशाह बन बैठा। इसके बाद वहाँ टूट फूट का एक सिलसिला चल निकला, यहाँ तक कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो के दौर में इस्लामी लश्कर ने इस मुल्क को फतह किया और ये बादशाहत हमेशा के लिए खत्म हो गई। आपने एक खत हारिस बिन अबी शिम्र गस्सानी के नाम लिखा। ये कैसर की तरफ से दिमश्क का अमीर था। इसके नाम आपने जो खत लिखा वो ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हारिस बिन अबी शिम्र की तरफ, उस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह पर ईमान लाए और तस्दीक करे। मैं तुझे दावत देता हूँ कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक पर ईमान ले आ, तेरे लिए तेरा मुल्क बाकी रहेगा। आपने ये खत कबीला असद बिन खुजैमा से ताल्लुक रखने वाले एक सहाबी शुजा बिन वहाब असदी रजी अल्लाह अन्हो के हाथ भेजा। हारिस को खत मिला, पढ़कर बोला, कौन है जो मुझसे मेरा मुल्क छीनेगा। इसके बाद उसने मुसलमानों से जंग की तैयारी शुरू कर दी और शुजा बिन वहाब असदी रजी अल्लाह अन्हो से कहा, जो कुछ देख रहे हो अपने साहिब को इसकी खबर कर देना। फिर उसने कैसर से जंग की इजाजत चाही, मगर कैसर ने उसे इस इरादे से बाज रखा। तब उसने शुजा बिन वहाब को तहाइफ देकर रुख्सत किया और रुख्सत करते वक्त अच्छा सुलूक किया। आपने एक खत बुसरा के अमीर के नाम लिखा, उसे इस्लाम की दावत दी और सैयदना हारिस बिन उमैर अज़दी रज़ी अल्लाह अन्हो के हाथ रवाना फरमाया। सैयदना हारिस जुनूबी उर्दन के इलाके बलका के एक मकाम मूता में पहुंचे तो शुराबील बिन अम्र गस्सानी ने उनका सामना किया और उन्हें शहीद कर दिया। कासिदों के सिलसिले में ये सबसे सख्त जालिमाना कदम था। उनके सिवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कासिद कत्ल नहीं किया गया। आपने इस पर सख्त गम व गुस्से का इजहार फरमाया और यही वाकया बाद में ग़ज़वा मूता का सबब बना। इसका जिक्र आगे आएगा। जब ज़ीक़ात का चांद तुलू हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को हुक्म दिया कि अपने उम्रे की क़ज़ा के तौर पर उम्रा करें और कोई भी आदमी हुदैबिया में हाजिर था पीछे न रहे। चुनाचे इस मुद्दत में जो लोग शहीद हो चुके थे उन्हें छोड़कर बकिया सब लोग रवाना हुए और आहले हुदैबिया के सिवा कुछ और लोग भी उम्रा करने के लिए हमरा निकले। इस तरह तादाद 2000 हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर अबू रोहम गिफारी रजी अल्लाह अन्हो को मदीने में अपना जानशी मुकर्रर किया। 60 ऊंट साथ लिए और नाजिया बिन जुंदुब असलमी को उनकी देखभाल का काम सौंपा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिले के वक्त अपनी कसवा नामी ऊँटनी पर सवार थे। मुसलमानों ने तलवारें हमाइल कर रखी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में लिए हुए लब्बैक पुकार रहे थे। मुशरिकीन जबकि मुसलमानों का तमाशा देखने के लिए घरों से निकलकर काबे के शिमाल में वाक़े क़ुएक़यान पहाड़ पर जा बैठे थे। उन्होंने आपस में बातें करते हुए कहा था कि तुम्हारे पास एक ऐसी जमात आ रही है जिसे यसरिब के बुखार ने तोड़ डाला है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो पहले 3 फेरों में कंधों को हिलाते हुए दौड़कर चलें ताकि कुफ्फार को मालूम हो जाए मुसलमान कमजोर नहीं हुए। इस तरह चलने को रमल कहते हैं। ये सुन्नत आज तक कायम है और क़यामत तक कायम रहेगी। अहले मक्का ने अगरचे मुआहदे की रूह से उम्रे की इजाजत दे दी थी लेकिन थे वो बहुत तैश में। रूसाए कुरैश ने तो शहर को खाली ही कर दिया था और काबे के शिमाल में वाक़े पहाड़ क़ुएक़यान पर चले गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए मुशरिकीन ने लाइन लगा रखी थी। आप मुसलसल लब्बैक पुकार रहे थे, यहाँ तक कि आपने छड़ी से हजरे अस्वद को छुआ, फिर आपने तवाफ किया और सहाबाए किराम ने भी तवाफ किया। उस वक्त सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार हमायल किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे चल रहे थे और रिज्स के ये अशार पढ़ रहे थे, ऐ अबनाए कुफ्फार, इनका रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो कि सारी भलाई उसके पैगंबर ही में है। आज हम उसकी तावील पर तुम्हें मारेंगे जैसे उसकी तंजील पर तुम्हें मार चुके हैं, और मार भी ऐसी मारेंगे कि खोपड़ी अपनी जगह से छटक जाएगी और दोस्त को दोस्त से बेखबर कर देगी। इस तरह मक्के में आपने 3 दिन क़याम फरमाया और इस दौरान में सैयदा मैमूना बिन्ते हारिस हिलालिया रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी की। वो सैयदुश्शुहदा सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की खाला थी। उन्हें जब शादी का पैगाम मिला तो उन्होंने अपना मुआमला सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को सौंप दिया, क्योंकि सैयदा मैमूना की बहन सैयदा उमुल फजल उन्हीं की ज़ौजियत में थी। सैयदना अब्बास ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी कर दी। 3 दिन गुजरने के बाद कुरैश ने पैगाम भेजा कि मुआहदे की शर्त पूरी हो चुकी है, अब मुसलमानों को चाहिए कि मक्का से चले जाएं। आपने ये पैगाम मिलते ही रवानगी का हुक्म सादर फरमा दिया और वादे के मुताबिक शहर खाली कर दिया। मूता उर्दन में बलका के करीब एक आबादी का नाम है, जहाँ से बैतुल मक़दिस 2 दिन की मुसाफत पर वाक़े है। यहाँ के सरदार शुरहबील बिन अम्र गस्सानी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफीर हारिस बिन उमैर अजदी को शहीद कर दिया था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर उसके पास गए थे। इस तरह मजलूम हारिस के कत्ल से सफीरों की जानें खतरे में पड़ गई थीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीबन 3000 की फौज जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के हमराह रवाना की और फरमाया, अगर जैद शहीद हो जाए तो जाफर अमीर हों और जाफर शहीद हो जाए तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा अमीर होंगे। इस्लामी लश्कर शिमाल की तरफ बढ़ता हुआ माआन पहुंचा और यहीं लश्कर ने पड़ाव डाला और जासूसों ने इत्तिला पहुंचाई कि हिरक्ल कैसर रोम बलका के इलाके में माआब के मकाम पर 1 लाख रूमियों का लश्कर लेकर खैमाजन है और उसके झंडे तले अरब के सहरा नशीन ईसाई कबाइल लखम, जुजाम, बलकैन, बहरा और बलीगी वगैरह के भी करीबन 1 लाख आदमी शहनशाह हिरक्ल की आमद पर वहां जमा थे। इसलिए हाकिम गस्सान ने हिरक्ल से मदद की दरखास्त की। हिरक्ल ने उसकी मदद के लिए फौज भेज दी। इस तरह मुसलमानों के मुकाबले में इतनी बड़ी फौज आ गई। मुसलमान सिर्फ 3000 थे और दुश्मन 1 लाख से ज्यादा। मुर्रखीन ने उनकी तादाद 1.5 लाख तक लिखी है। इतनी बड़ी तादाद देखकर मुसलमान सोच में पड़ गए। इसके बारे में उन्होंने आपस में मशवरा किया तो कुछ लोगों का ख्याल था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहरीरी तौर पर दुश्मन की तादाद की इत्तला दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मजीद कुमक मिलेगी या कोई और हुक्म मिलेगा और उसकी तामील की जाएगी। लेकिन सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस राय की मुखालिफत करते हुए मुसलमानों से फरमाया, हम फतह और शिकस्त के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए मैदान में आए हैं, लिहाजा फतह और शिकस्त से बेनियाज होकर लड़ो। उन्होंने ये अल्फाज कहकर लोगों को मजीद गरमा दिया, लोगों अल्लाह की कसम, जिस चीज से आप कतरा रहे हैं ये तो वही शहादत है जिसकी तलब में आप लोग निकले हैं। हम तो महज इस दीन के बल पर लड़ते हैं जिससे अल्लाह ने हमें मुशर्रफ किया है, इसलिए आगे बढ़ो, हमें 2 भलाइयों में से एक भलाई जरूर हासिल होगी, हम गालिब आएंगे या शहादत से सरफराज होंगे। आखिरकार सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु की पेश की हुई बात पर अमल किया गया और इस तरह जंग शुरू हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदा सैयदना जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु फौज के सिपा सालार थे। सैयदना जैद बिन हारिसा निहायत जवां मर्दी से लड़ते और दुश्मनों को मारते काटते आखिर शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद सैयदना जाफर तैयार रज़ियल्लाहु अन्हो ने झंडा अपने हाथों में लिया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हो के सगे भाई थे। 33 साल की उम्र थी, निहायत जवां मर्दी से लड़े, जिस्म पर 90 से ज्यादा जख्म खाकर शहादत का जाम नोश किया। इनके बाद सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हो ने अलम हाथ में लिया और जंग शुरू की, आखिर शहीद हो गए। फिर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हो ने फौज की कमान संभाली और 1.5 दिन की शदीद तरीन जंग के बाद अपने से 40 गुना फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। इस जंग में 9 तलवारें सैयदना खालिद के हाथ से टूटी। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को मदीने में उसी दिन 3 सालारों की शहादत की खबर दी और बतलाया कि अब कमान खालिद बिन वलीद के हाथ में आ गई है। और इसी जंग के बाद सैयदना खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब अता हुआ। सुलह हुदैबिया को मुनाकिद हुए 2.25 साल गुजर चुके थे और हिजरत का 8वां साल खत्म होने को था कि कुफ्फारे मक्का ने अहद शिकनी की। हुआ ये कि कबीला बनु बकर ने, जो कुफार का मुआविन और हलीफ था, कबीला बनु खुजा पर हमला कर दिया। ये कबीला मुसलमानों का हलीफ था। इसके नतीजे में बनु खुजा को शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचा। उन बेचारों ने अमान भी मांगी, भागकर खाना काबा में पनाह भी ली, मगर उन्हें हर जगह बेदरे कत्ल किया गया। ये मजलूम जब इलाहक इलाहक यानी अपने अल्लाह के वास्ते करके रहम की दरखास्त करते थे तो ये जालिम उनके जवाब में कहते थे ला इलाहल यौम, यानी आज अल्लाह कोई चीज नहीं। मजलूमों के बचे कुचे 40 आदमियों ने भागकर अपनी जान बचा ली थी। ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और अपनी मजलूमी और बर्बादी की दास्तान सुनाई। आमर बिन सालिम खुजाई ने पुरदर्द नज्म में तमाम वाकयात सुनाए। इस नज्म के चंद अशार का तर्जुमा ये है। कुरैश ने आपसे वादा खिलाफी की, उन्होंने उस मजबूत मुआहदे को जो आपसे किया था तोड़ डाला, हमें खुश्क घास की तरह पामाल कर दिया। वो समझते हैं कि हमारी इमदाद को कोई नहीं आएगा, वो तो जलील हैं और कलील हैं। उन्होंने वतीर में हमें सोते हुए जा लिया, हमें रुकू और सुजूद की हालत में पारा पारा कर दिया। इस तरह मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके कुरैश ने सुलहनामा हुदैबिया को तोड़ दिया। मगर बाद में जब उन्हें अपनी उजलत और आकिबत नाअंदेशी का ख्याल आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू सुफियान को मुआहदे की तजदीद के लिए भेजा, लेकिन ये एक सियासी चाल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई जवाब न दिया। इन हालात में इसके सिवा कोई चारा न था कि कुफ्फार की साजिशों के इस मरकज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, ताकि कुफ्फार को मुसलमानों की ताकत का सही अंदाजा हो जाए और वो साजिश करने की जुरत न कर सकें, न फसाद और लड़ाई पर आमादा हों। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबाए किराम के साथ हिजरत के 8वें साल रमजानुल मुबारक में मक्के की तरफ रवाना हुए। जब मक्का चंद मील के फासले पर रह गया तो आपने सहाबा के साथ पड़ाव किया और हुक्म दिया कि सब लोग अलग अलग आग रोशन करें ताकि कुफ्फारे मक्का को मुसलमानों की कसरत तादाद का अंदाजा हो सके और नाहक खूनरेजी न हो। ये निहायत मुनासिब और कारगर तरकीब थी जो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुझाई थी। इस मंजर का मक्के के काफिरों पर बड़ा असर हुआ और इस कदर रोब बैठा कि उन्होंने इस मौके पर जंग के बारे में सोचा तक नहीं। रास्ते ही में उस वक्त इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक मक्के पहुंचकर ये ऐलान किया, जो कोई हथियार फेंक देगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो कोई खाना काबा के अंदर जाएगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो कोई अपने घर के अंदर बैठ रहेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो कोई अबू सुफियान के घर पनाह ले लेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो कोई हकीम बिन हिजाम के घर पनाह लेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, भाग जाने वाले का ताकुब नहीं किया जाएगा, जख्मी को कत्ल नहीं किया जाएगा, असीर को कत्ल नहीं किया जाएगा। मंगल 17 रमजानुल मुबारक की सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की तरफ रवाना हुए। आपने सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि अबू सुफियान को वादी के तंग नाए पर पहाड़ी नाके के पास रोके रखें ताकि वहां से गुजरने वाली अल्लाह की फौजों को देख सकें। सैयदना अब्बास ने ऐसा ही किया। कबाइल अपने अपने परचम लिए वहां से गुजरने लगे। जब कोई कबीला गुजरता तो अबू सुफियान पूछते, अब्बास ये लोग कौन हैं? जवाब में सय्यदिना अब्बास रजी अल्लाह अन्हो कहते, बनु फला, मसलन ये बनु सुलैम हैं। यहाँ तक के अंसार का दस्ता गुजरा जिसका परचम सय्यदिना साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हो के हाथ में था। उन्होंने कहा, अबू सुफियान आज खूनरेजी और मार धाड़ का दिन है, आज काबा हलाल किया जाएगा। अबू सुफियान बोले, अब्बास पामाली का दिन मुबारक हो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सब्ज दस्ते में तशरीफ लाए। आप मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान में थे। यहाँ सिर्फ लोहे की बाड़ दिखाई पड़ रही थी। अबू सुफियान ने कहा, सुबहान अल्लाह, अब्बास ये कौन लोग हैं? सय्यदिना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये अंसार और मुहाजिरीन के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अबू सुफियान बोले, भला इनसे महाज आराई की किसे ताकत है? तुम्हारे भतीजे की बादशाहत तो बहुत जबरदस्त हो गई है। सय्यदिना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये बादशाहत नहीं नुबुव्वत है। अबू सुफियान बोले, आप ठीक कहते हैं। फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सय्यदिना साद रजी अल्लाह अन्हु की बात बताई। आपने फरमाया, साद ने गलत कहा, आज काबे की ताजीम का दिन है, आज काबे को गिलाफ पहनाया जाएगा। फिर आपने परचम सय्यदिना साद रजी अल्लाह अन्हु के हाथ से लेकर उनके साहिबजादे कैस के हवाले कर दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तुवा पहुँचे तो मैसरा के सालार सय्यदिना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो कुदा के रास्ते मक्का में जेरी हिस्से से दाखिल हों और कोई आड़े आए तो उसे काट कर रख दें, यहाँ तक के सफा पर आपसे आ मिलें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमना के कायद और अलमबरदार सय्यदिना जुबैर को हुक्म दिया कि वो कुदा के रास्ते बालाई हिस्से में दाखिल हों और हजून में आपका परचम गाड़ दें, नीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक वहीं ठहरे रहें, जबकि प्यादा और बेहथियार लोगों के कायद सय्यदिना अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हो को हुक्म दिया कि वो बतने वादी का रास्ता पकड़ें और मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे उतरें। इस मौके पर कुरैश ने कुछ औबाशों को खंदमा में जमा किया, कहा कि अगर उन्हें कुछ कामयाबी हुई तो उनके साथ रहेंगे, वरना जो कुछ मुतालबा किया जाएगा मंजूर कर लेंगे। जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो उनके पास से गुजरे तो एक मामूली सी झड़प में उनके 12 आदमियों को काट डाला और बाकी भाग खड़े हुए। इसके बाद सय्यदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो मक्के के गली कूचों को रौंदते हुए कोहे सफा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। अलबत्ता उनके दस्ते के 2 आदमी भटक कर लश्कर से बिछड़ गए और शहीद कर दिए गए। उधर सय्यदिना जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हो ने हजून में मस्जिद फतह के पास झंडा गाड़ा और एक खैमा नस्ब किया। उसमें उम्मे सलमा और सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने क़याम किया और वहीं ठहरी रहीं, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। थोड़ी देर आराम फरमाया, फिर आगे बढ़े। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आपके साथ थे और बातें कर रहे थे। फिर आप सूरह फतह की तिलावत करते हुए मुहाजिरीन और अंसार के जिलों में मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हुए, हजरे अस्वद को चूमा, बैतुल्लाह का तवाफ किया। आप हालत एहराम में नहीं थे। उस वक्त बैतुल्लाह के गिर्द 360 बुत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकड़ी से उन बुतों को कचोके लगाते जा रहे थे और फरमाते जाते थे, हक आ गया और बातिल चला गया, यकीनन बातिल जाने ही वाला है। हक आ गया और बातिल की चलत फिरत खत्म हो गई। आप बुतों को हल्की सी जरब लगाते जा रहे थे और बुत गिरते जा रहे थे। जब आप तवाफ से फारिग हो गए तो सय्यदिना उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हो को बुलाकर उनसे काबे की चाबी ली और उसको खोलने का हुक्म दिया। फिर उसमें जो बुत थे उन्हें निकलवा कर तुड़वा दिया, जो तस्वीर थीं उन्हें मिटवा दिया। इसके बाद आप सय्यदिना उसामा बिन जैद और सय्यदिना बिलाल रजी अल्लाह अन्हुम के साथ अंदर दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर लिया। फिर दरवाजे के मुकाबिल की दीवार के रुख से 3 हाथ के फासले पर खड़े हुए अपने बाएं 1 सुतून, दाएं 2 सुतून और पीछे 3 सुतून किए और 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर बैतुल्लाह में घूमकर उसके अतराफ में अल्लाह की तकबीर और तौहीद के अल्फाज कहे। इसके बाद आपने दरवाजा खोला। कुरैश मस्जिद हराम में सफे लगाते खचाखच भरे थे। आपने दरवाजे के दोनों बाजू पकड़कर एक बलीग खुतबा दिया जिसमें इस्लाम के बहुत से अहकाम बयान फरमाए, जाहिलियत के उमूर को साकित किया और उसकी नखवत के खात्मे का ऐलान किया। फिर फरमाया, कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? उन्होंने जवाब दिया, आप करीम भाई हैं और करीम भाई के साहिबजादे हैं। आपने इरशाद फरमाया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फ़अन्तुमुत तुलक़ा, आज के दिन तुम पर कोई सरजनिश नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। फिर नीचे तशरीफ लाए और मस्जिद हराम में तशरीफ फरमा हुए। चाबी सैयदना उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हु को वापस की और फरमाया, इसको हमेशा हमेशा के लिए ले लो, तुम लोगों से इसे वही छीनेगा जो जालिम होगा। नबुव्वत के इब्तिदाई दिनों में एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं उस्मान से फरमाया था कि बैतुल्लाह का दरवाजा खोल दो, उन्होंने इनकार किया था। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अच्छा तुम देख लेना कि एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा उसे अता करूंगा। ये सुनकर उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया था, क्या उस रोज कुरैश के सभी मर्द जलील और तबाह हो जाएंगे? इस बात के जवाब में आपने फरमाया था, वो और भी ज्यादा इज्जतदार होंगे। इसी रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी बिनते अबी तालिब के घर में दाखिल हुए, वहाँ गुस्ल किया और उनके घर ही में 8 रकात नमाज पढ़ी। हर 2 रकात पर सलाम फेरा। ये चाश्त का वक्त था, इसलिए किसी ने उसे चाश्त की नमाज समझा और किसी ने फतह की नमाज मुराद ली। उम्मे हानी ने अपने 2 देवरों को पनाह दे रखी थी। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो उन्हें कत्ल करना चाहते थे। इस बारे में जब उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा ने बात की तो आपने फरमाया, जिसे तुमने पनाह दे रखी है उसे हमने पनाह दी। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल रजी अल्लाह अन्हो को हुक्म फरमाया, बिलाल काबे की छत पर चढ़कर अजान दो। चुनाचे उन्होंने काबे की छत पर चढ़कर अजान दी। ये गोया इस्लाम के गलबे का ऐलान था और जिस कदर ये मुशरिकीन को नागवार था, मुसलमानों के लिए उसी कदर खुशगवार था। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब मक्के की फतह मुकम्मल हो चुकी तो अंसार को फिक्र लाहिक हुई कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं न ठहर जाए, क्योंकि बहरहाल ये आपके खानदान और आपके कबीले का शहर था। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पर हाथ उठाए दुआ फरमा रहे थे। दुआ से फारिग हुए तो फरमाया, अल्लाह की पनाह, अब जिंदगी और मौत तुम्हारे साथ है। इससे अंसार मुतमईन हो गए, उनका खौफ जाता रहा और वो खुश हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में 19 रोज क़याम फरमाया और इस दौरान आसार इस्लाम की तजदीद की। मक्के को आसार जाहिलियत से पाक किया, नए सिरे से हरम के सुतून नस्ब किए और आपके मुनादी ने ऐलान किया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने घर में कोई बुत न छोड़े बल्कि उसे तोड़ दे। 25 रमजानुल मुबारक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 सवारों के साथ सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो को उज़्ज़ा और उसका बुतखाना ढाने के लिए नखला रवाना किया। सैयदना खालिद बिन वलीद ने जाकर उसको ढा दिया। ये मुशरिकीन का सबसे बड़ा बुत था। फिर आपने रमजान ही में सैयदना अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हो को सुवा नामी बुत ढाने के लिए रवाना किया। ये हुज़ैल का सबसे बड़ा बुत था। इसका स्थान मक्के से शिमाल मशरिक में 150 किलोमीटर के फासले पर रहात नामी मकाम पर था। सैयदना अम्र ने जाकर उसको ढाया। उसका मुजाविर बुत की बेबसी देखकर मुसलमान हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन जैद अशहली को इसी माह रमजान में 20 सवार देकर मनात की तरफ रवाना फरमाया। ये कुदैत के पास मुशल्लल में था। ये कल्ब, खुजा, गस्सान और औसो खजरज का बुत था। सैयदना साद ने जाकर उसे तोड़ दिया और बुतखाना ढा दिया। फतेह मक्का के बाद बहुत से कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन हवाजिन और बनु सकीफ के कबीलों ने चंद और कबाइल को अपने साथ मिलाकर 4000 का लश्कर तैयार किया और मुसलमानों से जोर आजमाई का फैसला किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इरादों की इत्तला हुई तो आपने अपने एक सहाबी को तहकीक के लिए भेजा। उन्होंने तस्दीक की, तब आपने मुसलमानों को तैयारी का हुक्म फरमाया। चुनांचे 10,000 मदनी और 2,000 मक्की फौज का लश्कर तैयार हो गया। बाज लोगों ने लश्कर की कसरत के पेश नजर कहा, आज हम मगलूब नहीं होंगे। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरा गुजरी। शाम हुई तो एक सवार ने आकर इत्तला दी कि बनु हवाजिन औरतों, बच्चों और ऊंट बकरियों समेत निकले हैं। आप ये सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, ये कल इंशाअल्लाह मुसलमानों का माल गनीमत होगा। 10 शव्वाल 8 हिजरी की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन पहुँचे। वादिये हुनैन मक्का मुअज्जमा से 30 मील दूर वाक़े है। आपने वादी में दाखिल होने से पहले सहर के वक्त लश्कर को तरतीब दिया। मुहाजिरीन का परचम अली बिन अबी तालिब को दिया, औस का परचम उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाहु अन्हु को और खजरज का परचम हुबाब बिन मुंजिर को और कुछ दूसरे परचम दूसरे कबाइल को दिए। 2 जिरहें पहनी, सर और चेहरे पर खौद रखा। इसके बाद हरावल दस्ते ने वादी में उतरना शुरू किया। उसे छुपे हुए दुश्मन की मौजूदगी का इल्म नहीं था। अभी वो उतर ही रहा था कि अचानक दुश्मन ने टिड्डी दल की तरह तीरों की बारिश कर दी। फिर दुश्मन मुसलमानों पर टूट पड़ा। इस अचानक हमले से हरावल दस्ते में इंतशार फैल गया। उसमें मौजूद मुसलमानों के पांव उखड़ गए। जो लोग पीछे थे वो भी उन्हीं के साथ हो लिए। जहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है तो न सिर्फ ये कि आप चंद अंसार और मुहाजिरीन के साथ अपनी जगह पर साबित कदम रहे, बल्कि आप दुश्मन की तरफ बढ़ने के लिए अपने खच्चर को एड़ लगाते और फरमाते जा रहे थे, अनन्नबिय्यु ला कज़िब, अना इब्नु अब्दिल मुत्तलिब। मैं नबी हूँ, झूठा नहीं। मैं अब्दुल मुत्तलिब का फर्जंद हूँ। सैयदिना अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने आपके हुक्म पर मुहाजिरीन और अंसार को आवाज दी। ये आवाज सुनते ही हर तरफ से मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा होने लगे और अल्लाह ने अपने रसूल और मुसलमानों पर सकीनत तारी कर दी और अनदेखा लश्कर उतारा। चुनाचे मुसलमानों ने पलट कर हमला कर दिया और धुआंधार जंग शुरू हो गई। ऐसे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब चूल्हा गर्म हो गया है। फिर आपने एक मुट्ठी में मिट्टी लेकर उनके चेहरों पर मारी और फरमाया, शाहतिल वजूह, चेहरे बिगड़ जाएं। इस मिट्टी से उनकी आंखें भर गईं। इसके बाद उनकी धार कुंद और उनका काम पिछड़ता चला गया, यहाँ तक कि वो परागंदा होकर भाग निकले और मुसलमानों ने मारते काटते उनका पीछा किया। चुनाचे औरतों और बच्चों को पकड़ लिया और बहुत से फौजियों को गिरफ्तार कर लिया। उस दिन सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो को भी बहुत जख्म आए। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की इनायत देखकर बहुत से मुशरिकीन मुसलमान हो गए। मुशरिकीन भागे तो 3 गिरोहों में तकसीम हो गए। सबसे बड़ा गिरोह ताइफ की तरफ भागा, दूसरे गिरोह ने नखला का रुख किया और तीसरे गिरोह ने औतास में मोर्चाबंदी की। आपने औतास में अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हो के चचा अबू आमिर अशरी रजी अल्लाह अन्हो को सहाबा की एक जमात के साथ भेजा। उन्होंने दुश्मनों को मार काट और भगाकर सारे माल गनीमत पर कब्जा कर लिया। अलबत्ता अबू आमिर अशरी रजी अल्लाह अन्हो खुद इस मारके में शहीद हो गए और उनकी जगह अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हो ने संभाली और कामयाब व कामरान लौटे। दूसरी तरफ मुसलमानों की एक जमात ने नखला भागने वालों का ताक़ुब किया। दुरैद बिन सिम्मा को जा पकड़ा और उसे कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत और कैदियों को जमा करने का हुक्म दिया। इसकी कुल तादाद ये थी, ऊंट करीबन 24,000, बकरियां 40,000 से ज्यादा, चांदी 4,000 उकिया यानी 1,60,000 दिरहम, औरतें और बच्चे 6,000। इन सब को जेराना में जमा करके सैयदना मसूद बिन अम्र गिफारी रजी अल्लाह अन्हो को उनका निगरान मुकर्रर फरमाया। इसके बाद आपने ताइफ की तरफ तवज्जो फरमाई। आप खुद उस समत में बढ़े। ताइफ मक्का से 60 मील के फासले पर एक सरसब्ज पहाड़ के दामन में वाक़े है। आपने ताइफ का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा 20 दिन तक जारी रहा, लेकिन शहर फतह न हो सका। मुहासरा छोड़कर आप जेइराना के मकाम पर तशरीफ लाए। यहाँ माले गनीमत जखीरा किया गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से जेइराना वापस आकर 10 दिन से ज्यादा ठहरे रहे। माले गनीमत तकसीम न फरमाया। आपको इंतजार था कि हवाज़िन तौबा करके आ जाएं और अपने माल और कैदी वापस ले जाएं, लेकिन जब वो न आए तो आपने माले गनीमत में से खुम्स यानी 5वां हिस्सा निकाला और तालीफ कल्ब के लिए कमजोर इस्लाम वालों को अता फरमाया। कुछ ऐसे लोगों को भी दिया जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, ताकि उनकी नजरों में इस्लाम महबूब हो जाए। अंसार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फेल पर हैरत हुई कि आपने तालीफे कुलूब की खातिर अंदाजे से बढ़कर अतिये दिए और अंसार को कुछ न दिया। चुनाचे बाज अंसार ने कहा, ये कैसी ताज्जुब की बात है कि आप कुरैश को दे रहे हैं और हमें छोड़ रहे हैं, हालांकि हमारी तलवारों से उनका खून टपक रहा है। ये बात अंसार के रईस सैयदना साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप तक पहुंचाई। आपने सिर्फ अंसार को जमा फरमाया, अल्लाह की हम्दो सना की, फिर अल्लाह ने आप पर जो एहसान किया था उसका जिक्र किया। इसके बाद फरमाया, अंसार के लोगों, तुम अपने जी में दुनिया की एक हकीर सी घास के लिए नाराज हो गए। इसके जरिए से मैंने लोगों का दिल जोड़ा था ताकि वो मुसलमान हो जाएं और तुम्हें तुम्हारे इस्लाम के हवाले कर दिया था। ऐ अंसार, क्या तुम इससे राजी नहीं कि लोग ऊंट बकरियां ले जाएं और तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने डेरों पर जाओ? उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर हिजरत न होती तो मैं भी अंसार का एक फर्द होता, और अगर सारे लोग एक राह चलें और अंसार दूसरी राह, तो मैं भी अंसार ही की राह चलूंगा। ऐ अल्लाह, अंसार पर रहम फरमा, अंसार के बेटों पर रहम फरमा और अंसार के पोतों पर रहम फरमा। इस पर लोग इस कदर रोए कि दाढ़ियां तर हो गईं और कहने लगे, हम राजी हैं कि हमारे हिस्से और नसीब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए और अंसार भी वापस हो गए। बनी साद के एक सरदार जुहैर ने आगे बढ़कर अर्ज किया, बनी साद से आपका रजात यानी दूध का रिश्ता है और वो आपसे मेहरबानी की उम्मीद रखते हैं। इस पर आपने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के हिस्से के गुलाम और बांदियां आजाद कर दी। जब मुसलमानों को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। इस तरह 6000 कैदियों को रिहाई मिल गई। माले गनीमत की तकसीम से फारिग होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का एहराम बांधा। यही उम्रा जिराना है। उम्रे से फारिग होकर मदीना वापसी की राह ली और जीकाद में 6 दिन या 3 दिन बाकी थे जब आप मदीना मुनव्वरा पहुँचे। मुहर्रम 9 हिजरी में मदीना मुनव्वरा खबर पहुँची कि बनु तमीम कबाइल को जिजिया न देने पर उकसा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उयैना बिन हिस्न फुजारी की क़यादत में 50 सवारों का एक दस्ता भेजा। उन्होंने सहरा में हमला करके उनके 11 आदमी, 21 औरतें और बच्चे गिरफ्तार कर लिए और उन्हें मदीना ले आए। इसके बाद बनु तमीम के 10 सरदार आए और शायरी और खिताबत के मुकाबले की ख्वाहिश जाहिर की। चुनाचे उनके खतीब उतारिद बिन हाजिब ने खुतबा दिया। इसका जवाब सैयदना साबित बिन कैस रजी अल्लाह अन्हो ने दिया। फिर उनके शायर जिबरकान बिन बद्र ने अशार कहे। जवाब में सैयदना हसान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हो ने अपने अशार पेश किए। उन्होंने इस्लाम के खतीब और शायर की फजीलत का एतराफ किया और मुसलमान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कैदी वापस कर दिए और उन्हें बेहतरीन तहाइफ से नवाजा। रजब 9 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि हिरक्ल कैसर रोम मुसलमानों के खिलाफ जंग करने के लिए जबरदस्त तैयारियां कर रहा है। आपने मुनासिब ख्याल किया कि आगे बढ़कर दुश्मन का रास्ता रोक लिया जाए। चुनाचे आपने मुजाहिदीन को तैयारी का हुक्म दिया और अपने हलीफ कबाइल से मदद भी तलब फरमाई। मुनाफिकों ने मुसलमानों को ये कहकर बहकाना शुरू किया कि इस जंग में जाना मौत को दावत देना है, क्योंकि ये आराब की जंग नहीं बल्कि कैसर रोम की फौज का मुकाबला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदारों को गरीब लोगों की तैयारी में मदद देने की तरगीब दी। मालदार हजरात से जो कुछ हो सका ले आए। सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो अपना सारा माल ले आए। ये 4000 दिरहम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अपने अहल के लिए भी कुछ बाकी छोड़ा है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने जवाब में अर्ज किया, उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हो अपना आधा माल लाए। सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह अन्हो के मुतालिक कहा जाता है कि उन्होंने 10,000 दीनार, पालान और कजावे समेत 300 ऊँट और 50 घोड़े दिए। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, आज के बाद उस्मान जो भी करें उन्हें नुकसान नहीं होगा। इसके बाद उस्मान रजी अल्लाह अन्हो ने फिर सदाका किया फिर और सदका किया, यहाँ तक कि उनके सदके की मिकदार नकदी के अलावा 900 ऊंट और 100 घोड़े तक जा पहुँची। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु 200 ऊकिया यानी 8000 दिरहम के बराबर चांदी लाए। सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बहुत सा माल लाए। सैयदना तलहा, साद बिन उबादा और मोहम्मद बिन मसलमा वगैरह भी माल लेकर आए। सैयदना आसिम बिन आदी रजी अल्लाह अन्हु 90 वस्क यानी 13,500 किलो खजूरें लाए। बाकी सहाबा ने भी अपनी अपनी बिसात के मुताबिक बढ़ चढ़कर सदकात की लाइन लगा दी, यहाँ तक कि औरतों ने भी अपने जेवरात उतार उतार कर आपकी खिदमत में भेज दिए। तंगदस्त सहाबाए किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी तलब करने के लिए आए। आपने फरमाया, मैं कुछ नहीं पाता जिस पर आप लोगों को सवार करूं। वो इस हालत में वापस लौटे कि उनकी आंखें आंसू बहा रही थीं, इसलिए कि वो कुछ खर्च करने को भी न पा सके। चुनाचे उन हजरात को सैयदना अब्बास और सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हुमा ने तैयार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा का इंतजाम मोहम्मद बिन मसलमा को सौंपा। बाल बच्चों पर सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर फरमाया। खुद लश्कर लेकर तबूक की तरफ रवाना हुए। तबूक शाम की सरहद पर वाक़े है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा अलम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के सुपुर्द किया और फिर हर कबीले का झंडा उसके सरदार के हवाले किया। गरज इस्लाम का ये लश्कर 14 दिन में तबूक पहुँच गया। जब कैसर रूम हिरक्ल को मुसलमानों के जोश, जज्बे और तैयारी की इत्तला मिली तो उसने जंग का इरादा तर्क कर दिया। आपने 20 रोज वहाँ क़याम फरमाया। इसी मकाम पर कैसर रूम के मातहत हुकाम ने आपसे अमान तलब करके जिजिया देना कबूल किया। इसके बाद लश्कर इस्लाम जंग के बगैर अपना मकसद हासिल करके वापस लौट आया। मुनाफिकीन ने मुसलमानों में फूट डालने के लिए मस्जिद कुबा के मुकाबले में मस्जिद जिरार तामीर की थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वाए तबूक के लिए जाने लगे तो मुनाफिकीन ने उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की ख्वाहिश की। आपने उन्हें जवाब दिया कि वापसी पर पढ़ाऊंगा। वापसी की खबर पाकर ये लोग आगे बढ़े ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद जिरार में नमाज अदा फरमाए। उस वक्त अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और अपने रसूल को मस्जिद जिरार की हकीकत से आगाह फरमाया। ये जिक्र सूरह तौबा की आयात 107 और 108 में आया है। वही आने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की तामीर करदा मस्जिद को गिरवा दिया, उसका तमाम सामान जलवा दिया। 9 हिजरी में चंद वाकयात तारीखी नौयत के पेश आए। तबूक से वापसी के बाद उवैमिर अजलानी और उनकी बीवी के दरमियान लेआन हुआ। गामदिया नामी एक औरत आपकी खिदमत में हाजिर हुई। उसने बदकारी का इकरार किया। आपने उसे रजम करने का हुक्म फरमाया, लेकिन वो बच्चे की मां बनने वाली थी, लिहाजा बच्चे की पैदाइश के बाद रजम किया गया। असहमा नज्जाशी शाह हबशा ने वफात पाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा की वफात हुई। उनकी वफात पर आपको सख्त गम हुआ और आपने सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हो से फरमाया, अगर मेरे यहाँ तीसरी बेटी होती तो उसकी शादी भी मैं तुमसे कर देता। तबूक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई ने वफात पाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआए मगफिरत की। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने आपसे अर्ज किया, आप उसकी नमाज जनाजा न पढ़ें, लेकिन आपने नमाज पढ़ी। बाद में वही नाजिल हुई, उसमें सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की राय की ताईद नाजिल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मुनाफिकीन की नमाज जनाजा पढ़ने से रोक दिया गया। इस साल के दौरान में हज फर्ज हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबाए किराम का एक काफिला हज के लिए रवाना फरमाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को अमीर हज मुकर्रर किया और उन्हें हिदायत कर दी कि सबको हज का इस्लामी तरीका बताएं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की रवानगी के बाद सूरह बरात यानी सूरह तौबा की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई, जिसमें उन तमाम मुशरिकीन से अहद तोड़ने का हुक्म था जिन्होंने अपने अहद की पासदारी नहीं की थी, और उनको और उन लोगों को जिनका सिरे से कोई अहद ही नहीं था 4 महीने की मोहलत दी गई थी कि इस दौरान में जिस तरह चाहें जमीन में घूम फिर लें। ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि वो अल्लाह को बेबस नहीं कर सकते और ये कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करके रहेगा। अलबत्ता जो मुशरिकीन अपने अहद पर कायम थे उसे तोड़ा नहीं था और मुसलमानों के खिलाफ किसी की मदद नहीं की थी, उनका अहद पूरा करने का हुक्म दिया गया। आपने सैयदिना अली रजी अल्लाह अन्हु को ये आयात देकर नाका पर सवार किया और रवाना फरमाया। उन्होंने हुज्जाज के काफिले को रास्ते ही में जा लिया। सैयदिना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अमीर हज होने की हैसियत से अरकान हज अदा किए और इसके बाद सैयदिना अली रजी अल्लाह अन्हु ने सूरह बरात की इब्तिदाई आयात सुनाई। इसके बाद सैयदिना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने सहाबा किराम की एक जमात भेजकर ये ऐलान कर दिया कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता और न कोई नंगा आदमी बैतुल्लाह का तवाफ कर सकता है। ये ऐलान गोया जजीरतुल अरब से बुत परस्ती के खात्मे का ऐलान था, यानी इस साल के बाद बुत परस्ती के लिए आमद और रफ्त की कोई गुंजाइश नहीं। गैर मुस्लिम कौमों के लिए जिज़्ये की अदायगी की फर्जियत और सूद की मुमानात का हुक्म नाजिल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं ही तबूक से मदीने वापस आए, वफूद की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। ये सिलसिला अगले बरस 10 हिजरी तक जारी रहा। अरब के कबीलों और खानदानों ने अपने अपने नुमाइंदे भेजे और बाज रूसा, गुलाम, यतीम, गुराबा और खवातीन बजाते खुद मदीना मुनव्वरा आए ताकि इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में पता लगाएं और खुद अपनी आँखों से सब कुछ देख लें। जब ये लोग मदीना आकर क़याम करते और आपको देखते तो बाज लोग तो देखते ही पुकार उठते, अल्लाह की कसम ये चेहरा किसी झूठे नबी का नहीं हो सकता। इसके बाद इस्लाम कबूल कर लेते। जब जजीरा अरब में दावत व तबलीग मुकम्मल हो गई और अल्लाह ने अहले ईमान की एक ऐसी जमात पैदा फरमा दी जो दावत की हिफाजत की जामिन और उसे जमीन के कोने कोने तक पहुंचाने की कफील थी, तो अल्लाह ताला ने चाहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतकाल से कब्ल उनकी जोहदे पैहम का समरा भी दिखला दे। चुनाचे आपको दिल हज 10 हिजरी में बैतुल्लाह के हज से मुशर्रफ फरमाया। आपने हज का इरादा फरमाया तो लोगों में इसका ऐलान कर दिया। आपका इरादा हज सुनकर तमाम अरब साथ जाने के लिए टूट पड़ा। हफ्ते के दिन 26 जिकाद को आपने कूच की तैयारी फरमाई। बालों में कंघी की, तेल लगाया, तहबंद पहना, चादर ओढ़ी और जोहर की नमाज के बाद मदीने से चल पड़े और असर से पहले जुलहुलैफा पहुंच गए। वहां पहुंचकर 2 रकात नमाज असर पढ़ी और रात भर खेमाजन रहे। सुबह हुई तो सहाबा किराम से फरमाया, रात मेरे परवरदिगार की तरफ से एक आने वाला आया। उसने कहा, इस मुबारक वादी में नमाज पढ़ो और कहो हज में उमरा है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफर जारी रखा। हफ्ता भर बाद मक्के के करीब पहुँचे तो जी तुवा में रात गुजारी और वहीं नमाज फज्र पढ़कर गुस्ल फरमाया। फिर मस्जिद हराम में दाखिल हुए। ये इतवार 4 जिलहज की सुबह थी। वहाँ हजर अस्वद को बोसा दिया। बैतुल्लाह का 7 मरतबा तवाफ किया। तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ी और दोबारा हजर अस्वद को बोसा दिया। फिर कोहे सफा पर आए, सफा और मरवा के दरमियान साई की। इसके बाद ऐलान फरमाया, जिस शख्स के साथ कुर्बानी का जानवर न हो वो एहराम खोल दे। 8 जुलहज तरविया के दिन आप मक्का से मीना तशरीफ ले गए और वहाँ 9 जिलहज की सुबह तक क़याम फरमाया। जोहर, असर, मगरिब, इशा और फज्र की नमाजें वहीं पढ़ी। फिर इतनी देर ठहरे कि सूरज तुलू हो गया। इसके बाद अराफा को चल पड़े। वहाँ पहुंचे तो वादी नमेरा में कुब्बा तैयार था, उसी में उतरे। जब सूरज ढल गया तो आपके हुक्म से आपकी ऊंटनी कसवा पर कजावा कसा गया और आप बतने वादी में तशरीफ ले गए। उस वक्त आपके गिर्द 1,24,000 या 1,44,000 इंसानों का समुंदर ठाठे मार रहा था। आपने उनके दरमियान एक जामे खुतबा इरशाद फरमाया। जो लोग खुतबे के जुमलों को सुन रहे थे वो दूसरों तक पहुंचा रहे थे और सुनाने के लिए बुलंद आवाज से दोहरा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं उनको सुनने वाले ये पैगाम पहुँचा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस खुतबे में इरशाद फरमाया, लोगों मेरी बातों को गौर से सुनो क्योंकि मैं नहीं जानता, शायद इस साल के बाद इस मकाम पर मैं तुमसे कभी न मिल सकूं। लोगों, जैसा कि ये दिन, ये महीना और ये शहर मक्का हुर्मत वाला है, इसी तरह एक दूसरे के जानो माल तुम पर हराम है। सुन लो, जाहिलियत की हर चीज मेरे पांव तले रौंद दी गई, जाहिलियत के खून भी खत्म कर दिए गए, और हमारे खून में से पहला खून रबिया बिन हारिस के बेटे का खून है, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। ये बच्चा बनु साद में दूध पी रहा था कि उन्हीं अय्याम में कबीला बनु हुजैल ने उसे कत्ल कर दिया, और जाहिलियत का सूद खत्म कर दिया गया, और हमारे सूद में से पहला सूद अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का है, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। अब ये सारे का सारा सूद खत्म है। ऐ लोगों, औरतों का तुम पर हक है जैसा कि तुम्हारा उन पर हक है। औरतों के साथ भलाई करो, तुम्हें बहुत जल्द अल्लाह के सामने हाजिर होना है, और वो तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल फरमाएगा। खबरदार खबरदार, मेरे बाद गुमराह न हो जाना। लोगों, न तो मेरे बाद कोई पैगंबर है, न कोई और उम्मत ही पैदा होने वाली है। खूब सुन लो, अपने परवरदिगार की इबादत करना, पंजगाना नमाज अदा करना, रमजान के रोजे रखना, अपने मालों की ज़कात देना, तमाम मुसलमान महकूम हो या आजाद यकसा जिम्मेदारियां और हुकूक रखते हैं। आमाले दीन के सिवा किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं। तुम अपने गुलामों को वो खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, और उन्हें वो लिबास पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो। उन पर न कोई जुल्म करो और न उनका कोई हक छीनो। अमानतें उनके मालिकों के सपुर्द करना चाहिए। दूसरों पर जुल्म न करो ताकि तुम पर भी जुल्म न किया जाए।